पिछले एपिसोड्स में हमें बहुत सारे ईस्टर एग और हिडन डिटेल्स मिले थे, तो वैसे ही इस एपिसोड्स में भी बहुत सारे ईस्टर एग और हिडन डिटेल्स मिलते हैं। तो चलिए एक एक कर सब पे बात करते हैं, तो स्पॉइलर अलर्ट तो बनता है। तो मूवी इंसाइडर से मैं हूं मोहित, और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करने की, तो चैनल को सब्सक्राइब करने की, और हाँ घंटा जरूर बजा देना। आगे हम विजन के हाथ में न्यूज़पेपर देखते हैं, जिसके बैक पेज पर टीवी और VHS प्लेयर का ऐड होता है। यह एक और ब्रिलियंट नोट था कि वांडा और विजन इस सिटकॉम वर्ल्ड में ट्रैप हो चुके हैं। आगे विजन न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, जिसकी हेडिंग होती है लोकल होममेकर्स इन्वॉल्विंग रेसिपीज। कुछ देर बाद विजन न्यूज़पेपर को इस प्रकार से फोल्ड करता है कि केवल HOM दिखता है न्यूज के हेडिंग में से, और HOM शॉर्ट फॉर्म है हाउस ऑफ एम का। कॉमिक्स में हाउस ऑफ एम इवेंट्स वांडा का बहुत बड़ा इवेंट था, जिसमें उसने अपने दो बच्चों को क्रिएट किया था। तो एपिसोड 5 से यह पता चलता है कि बिली और टॉमी के पास एज बढ़ाने की पावर है। पहले वह बेबी से 5 ईयर के होते हैं, और बाद में 5 से 10 ईयर के। यहाँ भी मालूम पड़ता है कि वे अपने और वांडा की पावर से अवेयर हैं। अब यह एक मिस्ट्री ही है, क्योंकि यह क्लियर नहीं है कि ये ट्विंस को पावर वांडा से मिल रही है या कोई बड़ा सिनिस्टर फोर्स इन सब में इन्वॉल्व है। साथ ही क्या ये ट्विंस वांडा की डिजायर के केवल आर्टिफिशियल प्रोजेक्शन तो नहीं है? क्या ये तब भी होंगे जब वेस्टव्यू हेक्स को सॉल्व कर लिया जाएगा? क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो वांडा के साथ क्या होगा, उसका रेफरेंस हमें मार्वल की कॉमिक्स एवेंजर वेस्ट कोस्ट से मिलती है। साथ ही यह एपिसोड भी काफ़ी सिमिलर है एवेंजर वेस्ट कोस्ट से। इस कॉमिक्स से हमें पहला क्लू यह मिलता है कि वांडा के साथ कुछ गड़बड़ है जब उसके ट्विंस डिसअपीयर होते हैं, और यह अक्सर होता है जब अगाथा हार्कनेस उनके लिए बेबी सिटिंग करती है, और बाद में वांडा की पर्सनालिटी विलेनिक होने लगती है और वह अपने पावर पर घमंड करने लगती है, जो कि शायद हमें आगे की एपिसोड में देखने को मिले। क्योंकि एपिसोड के स्टार्टिंग में ही जब एग्निस बेबी सिटिंग करती है तो उसके ट्विंस डिसअपीयर हो जाते हैं और 5 ईयर्स ओल्ड दिखते हैं। मोस्ट ऑफ द एपिसोड हम ट्विंस को रेड और ग्रीन आउटफिट में देखते हैं। यहाँ मार्वल वालों ने कलर कोड पर भी अच्छा ध्यान दिया है। यहाँ रेड और ग्रीन कलर कॉमिक्स बुक से बिली और टॉमी का सिग्नेचर कलर है। जब विल यूरिकन बनता है तो उसका आउटफिट रेड होता है, और टॉमी स्पीड बनता है जिसका आउटफिट ग्रीन कलर का होता है। तो ये वाला थोड़ा फनी है, जिसमें हम देखते हैं कि जिमी 3 कॉफी लेके आ रहा है। अब यह कोई ईस्टर एग तो है नहीं, बट जैसा कि पिछले एपिसोड में कई बार उसने कॉफी की डिमांड की थी, तो फाइनली डर्सी को उसकी कॉफी मिल गई है जो जिमी लाके उसको देता है। एपिसोड में डॉक्टर लिविस वांडा के हेक्सागोनल वेस्ट व्यू को हेक्स बोलती है, जो कि कॉमिक्स बुक का ईस्टर एग है, क्योंकि कॉमिक्स बुक में वांडा के पावर को एक्सेस से रिफर किया जाता है। साथ ही कॉमिक्स में वांडा एक मैजिकल मेंटर से एक्सेस मैजिकल एबिलिटी सीखती है और उसकी ट्रेनिंग भी होती है, और यह सभी स्कारलेट विच थीम की तरफ जाती है। जैसा कि यहाँ पता चलता है कि वांडा का कोई निकनेम नहीं है, साथ ही लिविस ने हेक्स का भी जिक्र कर दिया है, तो हो सकता है कि आगे स्क्रीन पर हमें वांडा स्कारलेट विच नाम से मिले। स्पाइडर मैन फार फ्रॉम होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें निक फ्यूरी के पीछे हेक्स दिखता है, और जैसा कि इस क्रेडिट सीन से पता चलता है कि फ्यूरी स्पेस में है, तो यह कंफर्म हो जाता है कि वह वहां से इस इंसिडेंट पर अपनी ध्यान रखे हुए हैं। साथ ही दोनों ही इंडगेम के बाद के शो हैं, जहां वांडा विजन इंडगेम के तुरंत बाद का है, तो वहीं फार फ्रॉम होम 1 साल बाद का है, तो हो सकता है फ्यूरी हेक्स पर रिसर्च कर रहे हों। आगे इस एपिसोड में मोनिका पाती है कि वांडा वेस्ट व्यू के अंदर अलग रियलिटी क्रिएट कर रही है। जब वो पाती है कि उसकी 70s की क्लोथ भी उसी मटेरियल की बनी है जैसा क्लोथ पहनकर वो फेक हेक्स रियलिटी में इंटर की थी, मतलब कि फेक हेक्स में किसी मैटर की इंटरनल मटेरियल तो सेम होता है, बस उसका स्वरूप चेंज हो जाता है। साथ ही मोनिका के ब्लड सैंपल के साथ भी कुछ प्रॉब्लम है, सो हो सकता है कि ऐसा कुछ बी कीपर के साथ भी हुआ हो, और बाद में हमें एक MCU का विलेन स्वाम देखने को मिले। साथ ही वांडा के पास केवल माइंड कंट्रोल और ऑब्जेक्ट को मूव कराने की पावर है, जो कि उसे माइंड स्टोन से मिली है। वह किसी भी ऑब्जेक्ट की बनावट को चेंज नहीं कर सकती, ना ही रियलिटी को। यह केवल रियलिटी स्टोन से किया जा सकता है, जो कि एथर का रेफरेंस है थॉर मूवी से। और जैसा हमें आगे लोकी की सीरीज देखने को मिलेगी, तो हो सकता है कि इस सीरीज में लोकी या लोकी की सीरीज का कुछ रेफरेंस मिले। वांडा की सडनली पावर इंक्रीज के बारे में जब डिस्कसिंग हो रही होती है, तो मोनिका बताती है कि वांडा पहले से ही इतनी पावरफुल थी कि वो खुद ही इंडगेम में थेनोस से निपट लेती अगर थेनोस एयर स्ट्राइक ब्लिट का ऑर्डर नहीं देता तो, और यह सभी वांडा के ब्रोकन हार्ट और माइंड के कारण हो रहा होता है। साथ ही अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।